दोस्तों ये वाला बोट का हेडफोन एक्चुअल में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना आपके लिए मंगा के टेस्टिंग वेस्टिंग करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये वाली वीडियो में ऑलमोस्ट 2 से 3 हफ्ते यूज करने के बाद इसको बना रहा हूँ। जब लॉन्च हुआ तब हमारे पास आ चुका था, ऐसा मत बोलना 3 हफ्ते तो हुआ नहीं लॉन्च हुए भाई, लॉन्च से पहले आया था। वैसे इसकी प्राइसिंग अभी आपको 3500 रुपीज मिलेगी, सेल में 3000 रुपए मिल जाएगा। जब लॉन्च हुआ था 3000 रुपए का लॉन्च हुआ था, तो उसके हिसाब से जज कर लेते हैं इसको। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इसके अंदर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिलने वाला है जो बहुत प्रीमियम हेडफोन से मिलता है, और 40mm का ड्राइवर है और 100 आवर्स का प्लेबैक टाइम है। आप ये बताओ सर, या एक दिन में आप कितने घंटे यूज करते हो म्यूजिक, सॉरी सुनते हो? म्यूजिक सुनता हूँ 1.5 घंटे। डेढ़ घंटा? डेढ़। अगर कोई मेरे तरह म्यूजिक लवर है तो वो 3 घंटे तो आराम सुनता होगा, लेकिन इस वाले हेडफोन के अंदर आपको 100 आवर्स का प्लेबैक टाइम है। एक बार चार्ज करेगा तो 3 महीने सुन सकता है। और बाकी लोग से पूछते हैं कितने घंटे यूज करते हैं लोग, सुनते हैं भाई, यूज नहीं सुनते हैं। आप कितने देर सुनते हो म्यूजिक एक दिन में? बाइक राइड करता हूँ ऑफिस के लिए और फिर ऑफिस से घर के लिए। हाँ, तो मतलब 2 घंटा अराउंड। 2 घंटा। दोस्तों विनय भाई तो हमारे बहुत बड़े म्यूजिक लवर हैं। कम से कम मान लो 3 घंटा तो है दिन का। 4 घंटा कम से कम। 5 घंटे। 5 घंटे सोने टाइम होते हैं। 3 घंटे मेरे भी 3 ही घंटे भाई, स्मार्ट लोग 3 ही घंटे सुनते हैं। नहीं सब बात है, 3 से 4 घंटे। इस वाले हेडफोन में 100 घंटे की बैटरी लाइफ है। 100 घंटे की तो लगता है इसे भाई लाइफ टाइम चार्ज ही नहीं कर। मेरे भी सेम डाउट है। और सच में दोस्तों इस वाले हेडफोन को मैं 2 हफ्ते से यूज कर रहा हूँ और मैंने एक बार भी चार्ज नहीं किया है। और हेडफोन ऐसी चीज होती है जिसको आप चार्ज करना भूल भी जाते हैं, और मुझे अब पता चला कि ये डिस्चार्ज क्यों नहीं हो रहा था। मैंने इसका स्पेसिफिकेशन पढ़ा ही नहीं था भाई, 100 आवर्स का प्लेबैक है इसमें। मान लो 100 नहीं 80 आवर्स मिलता है ना, तो ये बहुत ज्यादा होता है। चलो खोलते हैं इसका डिब्बा। भाई हमने आपके लिए पैक वैक कर रखा था इसको। सबसे पहले बोट का कुछ आपको पेपर डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, बोट का ये स्पेशल स्टिकर जिसको अपनी छाती पे लगा लेता हूँ, एक चार्जिंग केबल है टाइप सी वाला, और सबसे इम्पोर्टेंट बोट रॉकर्स 551 हेडफोन। थोड़ा सा वो देखने में गंदा लग रहा होगा यार, यूज करने से चीजें गंदी हो जाती है। इनिशियली इसका डिजाइन देख के लगता ही नहीं है कि 3000 रुपए का प्रोडक्ट है, एक्चुअल में बहुत ही महंगा प्रोडक्ट लगता है। इसका जो कम्प्लीट बिल्ड है आपको यहाँ पे हाई क्वालिटी प्लास्टिक का है, ऊपर के साइड एक अच्छा सा कुशन है, अच्छी क्वालिटी का कुशन है। ये टच एंड फील करके पता चलता है कि ये लंबा चलने वाला है, और एयर उसका भी क्वेश्चन अच्छा है, बहुत ज्यादा तगड़ा नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से इसका लाइट वेट होना बहुत इंपॉर्टेंट था ताकि आप इसको लंबे समय तक यूज कर पाओ। और सारे यूज के इसके लिए इसका डिजाइन एंड वेट मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया है इन्होंने। इवन के राइट एंड लेफ्ट लिखा हुआ भाई, इनकेस अगर आपका मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है या फिर आप कंफ्यूज जाते हो कि आपका वाला फिट कौन सा है, उसमें काम आएगा। और जैसे इसको पहनते हो भाई, ये काफी अच्छी फिटिंग देता है, एकदम टाइट टाइट फिट देता है भाई। और इसको पहन के मैंने जिम में खूब सारी एक्सरसाइज की, आप देख सकते हो भाई, दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, पुशअप कर रहा हूँ भाई, ये वाला एक्सरसाइज कर रहा था मैं। और एक्चुअल में इसकी फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत ही परफेक्ट एक जगह पे इंटैक्ट रहता है। और दूसरी बात, जब आप जिम में एक्सरसाइज करते हो और गर्मी के दिनों में, तो इसका पूरा एयर कफ एकदम स्वेट से भर जाता है। वैसे बोट ने इसके साथ कोई भी आईपी रेटिंग क्लेम नहीं किए, लेकिन मेरे हिसाब से आराम से डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट है, क्योंकि आजकल मैं काफी वर्कआउट कर रहा हूँ और 1.5 घंटे पूरा यूज करने के बाद भी ये बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं देता, एक बहुत अच्छी चीज है। और ये सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही है इसके अच्छे बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की वजह से। वैसे इसका वेट 206 ग्राम है, तो 200 ग्राम आप वेट आराम से यहाँ पे कैरी कर सकते हो विद गुड फिटिंग। और अगर फील की बात की जाए, हाई क्वालिटी प्लास्टिक है, यहाँ पे बोट का लोगो मस्त चमकता है, और पूरा हेडफोन काफी प्रीमियम सा फील देता है। वैसे पूरा मैट फिनिश है चारों तरफ। और एक बार इसका ओवरव्यू देता हूँ आपको, जो राइट साइड वाला एयर कफ है, 4 बटन मिल जाएंगे। सबसे पहला बटन वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, के बाद वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, फिर 2 बटन पीछे के साइड है जो कि आपको थंब से यूज हो पाएगा, और इसमें से लास्ट वाला बटन जिससे पावर ऑन ऑफ होता है, और ये वाला बटन है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन वाला, जिससे दुनिया शांत भी होती है और दुनिया हल्ला करने लग जाती है। यहाँ पे रॉकर्स 551 देख सकते हो, मैं हेडफोन को ऑन कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं हेडफोन को ऑन करता हूँ, यहाँ से यहाँ पे ब्लू ब्लिंक आ चुका है, कनेक्ट हो चुका है 1 सेकंड में, और गाना बजना भी शुरू चुका है भाई। तो ये जो पावर वाला बटन है, इससे आपको पॉज एंड प्ले होता है। देखो सिंगल टैप में पॉज प्ले, डबल टैप से लास्ट डायल कॉल लग जाएगा। नेक्स्ट और प्रीवियस करने के लिए आपको यहाँ पे वॉल्यूम वाला जो बटन है, वॉल्यूम अप को आपको प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा और ये हो जाएगा नेक्स्ट, और वॉल्यूम डाउन को प्रेस एंड होल्ड करोगे तो ये हो जाएगा प्रीवियस। लेकिन अच्छी बात ये कि बटन है तो आपको 100% टाइम पे काम करते हैं परफेक्टली। और अगर बात करते हैं गाने वाने की, अभी मैं फुल वॉल्यूम पे सुन रहा हूँ और इसका एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऑन करता हूँ, इसने बोला ANC मोड, और ANC मोड के बाद सच में बैकग्राउंड नॉइस तो पूरी खत्म हो जाती है इसकी। कुछ बोलो, सब्सक्राइब करें YouTube चैनल को भाई, मेरे को आराम से आवाज आ रही है, सब्सक्राइब करें। लेकिन जो वैक्यूम क्रिएट होता है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के बाद, वो वैक्यूम मुझे फील हो रहा है। तो जैसे ही मैं इस हेडफोन को हटाता हूँ, मुझे AC की आवाज आना शुरू
शुरू हो चुकी है, पीछे में जो लाइट है उसकी भी आवाज आने शुरू हो चुकी है, लेकिन अगर हेडफोन का मैं पहन लेता दोबारा से भाई एक सन्नाटा सा तो फील होता है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है एक्टिव नॉइस कैंसलेशन या नॉर्मल मोड में, बट इसका बहुत ही अच्छा फायदा होता है जब आप आउटडोर में हेडफोन को यूज कर रहे हो। और हेडफोन इतने तगड़े बैटरी लाइफ के साथ डेफिनेटली आपको ट्रैवल करने के लिए यूज करना चाहिए या फिर जिम करने के लिए यूज करना चाहिए और नॉर्मली बिंज वॉच करने में और इन सभी चीजों में इसका एक्टिव नॉइस कैंसलेशन इतना अच्छा एक्सपीरियंस देगा आपको। अगर आपके एनवायरमेंट में कोई डिस्टर्बेंस है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। बात करते हैं साउंड क्वालिटी की। इसमें मैंने भिन्न भिन्न प्रकार के गाने सुने हैं। सबसे पहले फुल वॉल्यूम पे, अभी ऑडियो लेके जिसके अंदर नहीं है अभी फुल वॉल्यूम पे सुन रहा हूं मैं, लेकिन जैसे मैं इसको हटाता हूं आपको आवाज आएगा। देखो अगर मैं पहनता हूँ इसको आवाज नहीं आ रही बाहर, इसका मतलब कि ऑडियो लीकेज का इश्यू इसके अंदर नहीं है। इसके वजह से 100% जो वॉल्यूम है बहुत ज्यादा फील नहीं आता, कहीं कहीं लगता है कि हल्का सा वॉल्यूम कम रह गया, बट उससे एक्सपीरियंस बिल्कुल भी लॉस नहीं हो रहा है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है। और अगर बात करते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड की, तो यहाँ पे बेस बहुत ज्यादा शार्प है, बहुत ही अच्छा लगा है मुझे, एकदम ऑन पॉइंट बेस है इस हेडफोन्स के अंदर। मुझे लगता है कि बोट ने इस बार ज्यादा बैलेंस साउंड आउटपुट के ऊपर ध्यान दिया है। अभी गाना चलते चलते बात करें थोड़ा दिक्कत हो रही है भाई, और इसके अंदर जो आपको सराउंड साउंड इफेक्ट है ऐसा लगता है कि भाई गाना यहाँ पे चल रहा है और कहीं भी जिसको साउंड आउटपुट है अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। ऐसे बजट हेडफोन्स जहां पे आपको 3000 रुपए में एक्टिव नॉइस कैंसलेशन मिलता है उसकी क्वालिटी काफी एवरेज सी होती है, लेकिन इसमें वो चीज नहीं है, अनकंफर्टेबल फील बिल्कुल नहीं होता। तो इसको आप लॉन्ग टर्म में आराम से यूज कर सकते हो और साउंड आउटपुट भी बहुत ही अच्छा बैलेंस आउटपुट है, लेकिन बेस की क्वालिटी एकदम ऑन पॉइंट और तगड़ी है। और अगर बात करते हैं कॉलिंग क्वालिटी कैसी आ रही है, जैसे मैंने कॉल लगाया यहाँ पे आप देख सकते हो रॉकर्स 551। तो ये वाली जो आवाज आप सुन रहे हो ये है बोट रॉकर्स 551 से, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन अभी ऑन है। भाई माधव आवाज कैसी आ रही है? तगड़ी आ रही है, मुझे तो लग रहा है फोन से बात कर रहा हूँ। इवन कि मुझे भी आवाज बहुत ही प्रॉपर आ रही है और कोई भी इशू नहीं हो रहा है। एक बार मैं एक्टिव नॉइस कैंसलेशन बंद करता हूँ, अब ये एम्बिएंट साउंड पे है। और भाई आवाज कैसी आ रही है अभी? थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, थोड़ा कुत्ता भौंकने का। अभी मैं एक्टिव नॉइस कैंसलेशन पे शिफ्ट कर रहा हूँ दोबारा से, एनसी मोड ऑन हो चुका है। अभी आवाज कैसी आ रही है? अभी सिर्फ आपकी आ रही है। तो एक्चुअल में एनसी मोड पे ज्यादा बेटर ऑडियो क्वालिटी मिलता है, इसको यूज करके आप कॉलिंग भी आराम से कर सकते हो। और ये हेडफोन कॉल कटने के बाद भी एक टोन देता है। एक बार ट्राई करते हैं इसके अंदर डुअल कनेक्शन है कि नहीं है। अभी ये मेरे मैकबुक से भी कनेक्टेड है और मेरे आईफोन से भी कनेक्टेड है ये। तो अगर मैं गाना अपने आईफोन में प्ले करता हूँ, गाना बज रहा है अभी यहाँ पे, और अभी मैंने स्पाइडरमैन की वाली वीडियो प्ले की, इसका भी हेडफोन पे आवाज आ रहा है। तो अगर मैं दोबारा अपने आईफोन में प्ले करता हूँ, फिर गाना पता स्टार्ट हो चुका है, पॉज यहाँ पे प्ले करते हैं, थोड़ा सा ग्लिच आया है एंड अब भी आवाज आना शुरू हो चुकी है इसकी। भाई ये काफी क्रेजी चीज होती है। इसे होता क्या है कि आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, आपके फोन पे कॉल आता है, डायरेक्टली आप इसे स्विच कर सकते हो। तो एक टाइम पे डुअल डिवाइस कनेक्शन भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, जो कि इस बोट की रॉकर्स 551 में मिल रहा है, बहुत सारे महंगे हेडफोन में नहीं मिलता। तो अगर मैं कंक्लूड करूं इस वाले हेडफोन को, तो डेफिनेटली भाई इसको मैं रिकमेंड एकदम आराम से कर सकता हूं। मतलब एक बहुत ही अच्छा ऑडियो प्रोडक्ट है जिसको आप कैरी कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो लेके। नेक्स्ट टाइम से बॉक्स के अंदर एक कैरिंग पाउच दे देते बोट वाले तो और अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज अभी के लिए इस वाले हेडफोन को मैं डेफिनेटली रिकमेंड कर रहा हूं। इसका बेस्ट बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा मैं, चेकआउट कर लेना, वहां पे क्लिक करके खरीदोगे थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। और इस वाले वीडियो को देखते रखते हैं, आई होप कि आपको पसंद आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। यहां तो देखा है सब्सक्राइब करके जाना, मिलते हैं कल।